क्यों आखिर हमारे मर्जी से सब कुछ नहीं होता? क्यों आखिर बार बार हमारे प्रयास करने के बाद भी कोई विकल्प निकल कर के सामने नहीं आता? इसका कारण ये है कि सब कुछ पहले से तय है, अर्थात आप ये वीडियो देख रहे हैं ये भी पहले से निर्धारित था, तय है। शायद वो यूनिवर्स आप तक कोई बात पहुंचाना चाहता है, ये बात भी पहले से फिक्स है, तय है। आज हम समझने वाले हैं सन 2024 के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सन 2024 के इस वीडियो के माध्यम से कि कैसा रहेगा हमारे लिए ये आगामी चार महीना। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहउं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। अर्थात सब कुछ पहले से निर्धारित है, हम मात्र एक साक्षी भाव से उस कार्य को, उस घटना को एकमात्र साक्षी भाव से देख रहे होते हैं। प्रश्न उठता है, तो क्या फिर हमें कोई कर्म करना ही नहीं चाहिए जब सब कुछ फिक्स है? तो ध्यान दीजिएगा, हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे जन्म कुंडली का निर्माण होता है। वो जन्म कुंडली आपका प्रारब्ध है और वही प्रारब्ध पूर्व जन्म के कर्म ये निर्धारित करते हैं कि कब और कैसे इस व्यक्ति को राजयोग प्रदान करना है और कब और कैसे इन्हें विपत्तियों से घेरना है। परंतु हमारे पास एक ऐसा पुरुषार्थ भी है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को परिवर्तन करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसित हो सकते हैं। दो पैर दिया है परमात्मा ने हमें, एक हमारा प्रारब्ध है लेकिन दूसरा पैर है कि वो हमें कुछ करने के लिए सदैव प्रोत्साहित करता है, और शायद यही है हमारे कर्मों के माध्यम से उस जकड़न को छोड़ करके हम बाहर निकल पाएं और अपने जीवन को उन्नत बना पाएं। आज इसी जो तय शुदा जो बातें हैं आगामी चार महीने की, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होना है, कैसे होना है। देखा जाए तो वृश्चिक राशि के अपने राशि के स्वामी मंगल देव बनते हैं और इस समय पर देव गुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र पर ही, अभी आपके अपने राशि के नक्षत्र पर ही अपना संचरण जमाए हुए हैं। एक डेट आता है 9 अक्टूबर सन 2024 को, और तब से लेकर के पूरे ये चार महीने ही नहीं बल्कि 4 फरवरी सन 2025 तक के देव गुरु वक्री अवस्था में रहेंगे। इसका प्रभाव विशेष तौर पर ये देखने को मिलेगा कि देव गुरु बृहस्पति ठीक सप्तम भाव पर समाहित हैं, और सप्तम भाव के रिजल्ट तो हमको मजबूती से मिलेंगे, साथ ही साथ छठे भाव के परिणाम भी अधिक अधिक मजबूती से प्राप्त होंगे। सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का होता है, इससे पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन यहाँ पर उन्नत होता है। जो विवाह करना चाहते हैं उनके विवाह के रिश्ते यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। किसी कारण से भी यदि पारिवारिक जीवन में अशांतियाँ हैं तो यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था पर आकर के अपना परिणाम ज़्यादा मजबूती से देंगे, और इस हिसाब से देव गुरु बृहस्पति सदैव के लिए आपके पंचमाधिपति हैं, इस कारण से योग कारक होते हुए आपके लिए शुभ परिणाम ही प्रदर्शित करेंगे। वक्री अवस्था के काल पर देव गुरु बृहस्पति की एक दृष्टि पड़ेगी सीधे आपके अपने राशि पर, अपने लग्न पर, जिसके माध्यम से कोई स्वास्थ्य में परेशानी है उन परेशानियों का एक विकल्प निकल करके सामने आएगा। हमको एक ऐसी दवा की प्राप्ति आएगी, प्राप्त होगी, जो हमको वर्तमान परिस्थितियों से बाहर निकल करके हमको स्वच्छ और शुद्ध वातावरण तक ले जाए। ये देव गुरु बृहस्पति का एक शुभ प्रभाव रहेगा जो पूरे के पूरे इस चार महीने में सबसे ज़्यादा प्रभावी समय मानिएगा इसे। ऊपर से देव गुरु बृहस्पति जब वक्री रहेंगे तो एक घर पीछे का परिणाम देंगे। छठा घर हमारे नौकरी का है, हमारे मेहनत का है, हमारे परिश्रम का है। कौन नहीं चाहता कि हमें अपने पारिश्रमिक सही मात्रा में प्राप्त हो? हमने किया यदि 10 रुपए का काम तो हर कोई 10 रुपए की आकांक्षा लिए बैठे रहता है, लेकिन देव गुरु बृहस्पति इस वक्त उसी आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले ग्रह बनेंगे, क्योंकि इनका प्रभाव छठे भाव पर उपस्थित रहेगा। नौकरी वालों के लिए एक अच्छा समय यहाँ पर मान सकते हैं, और यदि आप व्यापार कर रहे हैं
तो भी देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव पर ही वक्री हो रहे हैं। इस दृष्टिकोण से सप्तम भाव ही तो हमारे बिजनेस का स्थान होता है। इस कारण से व्यापार में भी एक अच्छी अनुभूति, एक अच्छी सफलता, एक अच्छे सक्सेस को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी शुरुआत का जब इस समय होगा तभी एक ऐसी घटना घटित होती है जो सूर्य ग्रहण के योग से प्रभावित रहेगा, परंतु इसके पॉजिटिव साइड भी हैं। क्या होंगे? अभी वर्तमान समय पर 16 सितंबर से आगामी 17 अक्टूबर तक सूर्य का गोचर ठीक इनकम भाव पर भी हो जाएगा। अभी आपके कैरियर भाव पर चल रहे हैं, कैरियर भाव से निकल करके अब ये लाभ के घर पर चले जाएंगे। केतु देव ऑलरेडी पहले से अक्टूबर सन 2023 से मौजूद हैं। यदि हमको अपने अनुरूप कोई गेंस नहीं हो पा रहे हैं, हम प्रयास भरपूर कर रहे हैं लेकिन उस प्रयासों का प्रतिफल निकल करके सामने नहीं आ रहा है, सूर्य का पदार्पण होता है 16 तारीख से, 16 सितंबर से, और एक महीने का ऐसा कार्यकाल होगा जहां पर हमें कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, क्योंकि केतु हमें कहीं न कहीं रुकावट पैदा करते हैं जो इनकम भाव पर है। यदि इनकम 100% नहीं है तो समझिए केतु का गोचर अभी भी चल रहा है आपके इनकम के भाव पर। लेकिन सूर्य का जब पदार्पण होता है तो सूर्य के पास उजाला है, इसका मतलब ये हो गया कि जो लाभ हमें चाहिए, जो कार्य हमारे सिद्ध होने चाहिए, वो कार्य की सिद्ध होने की संभावना काफ़ी मजबूत हो जाती है। हालांकि इस योग को सूर्य ग्रहण योग भी कहा जाता है। अब इसके जो कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो आपको सतर्कता से परिपूर्ण रखनी होगी, जैसे कि ये आपके दशमाधिपति जा करके केतु के नियंत्रण में आ जाएंगे। एक तरफ जहां गए हैं उस भाव को स्वच्छ करेंगे, लेकिन दूसरे तरफ जिस भाव के अधिपति हैं उस भाव से संबंधित हमको पीड़ाएं भी प्रदान करेंगे, और वो होगा आपका अधिक मेहनत से युक्त होना। इस समय पर आप अधिक मेहनत कर पाते हैं और उस मेहनत के अनुरूप सफलता या लाभ की स्थिति को ऑलरेडी ये प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि इनकम भाव पर ही ये समाहित हैं। इस कारण से इस समय पर, इस एक महीने पर मेहनत से जी नहीं चुराना पड़ेगा, या फिर ये कहें कि अपने कार्य में आप संलग्न नहीं रहें, किसी कारण से भी उस कार्य को छोड़ना नहीं है जिस कार्य में आप संलग्न रहेंगे, तो यकीन मानिए लाभ भाव पर सूर्य का गोचर है, लाभ तो निकाल करके ही देते हैं। और इसी सूर्य ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए तो देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी 9 अक्टूबर से ही वक्री अवस्था पे आ गए हैं, और जो पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 25 तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और आपके प्रबल योग कारक ग्रह हैं। अब आते हैं शनि देव पर। शनि की स्थिति चल रही है चतुर्थ भाव पर। यदि आप इसे राशि के अनुसार देख रहे हैं तो अभी आपको शनि का अढ़ैया भी प्रभावी है। अब शनि वक्री अवस्था में आकर के आपके अढ़ैया से आपको मुक्ति दिला रहे हैं। कारण क्या है कि शनि इस समय पर तीसरे भाव के भी परिणाम प्रदान कर रहे हैं। अब तीसरे भाव पर शनि देव 15 नवंबर सन 2024 पर तक अपना प्रभाव दे करके रखेंगे, मतलब इनका अटेंशन शनि देव का अभी चतुर्थ भाव पर तो है लेकिन उससे ज़्यादा पड़ गया है तीसरे घर पर, अर्थात जो विपत्ति है, जो परेशानियां हैं उससे निकलने का एक अच्छा समय मेरा चल रहा है। 15 नवंबर तक वो विपत्ति, वो परेशानी नहीं रहेंगी, या वर्तमान में जो समय चल रहा है उस परिस्थितियाँ या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। कारण, इसका मुख्य कारण यह भी हो जाता है कि शनि वक्रत्व अवस्था में ठीक कैरियर भाव पर ही दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए कर्म या कैरियर के दृष्टिकोण से शनि का साथ यहां पर भरपूर रहेगा। ध्यान रखिएगा यहां 9 के 9 ग्रह मौजूद हैं, और हमको सिर्फ एक ग्रह को देख करके ये डिसाइड नहीं करना है कि मुझे अच्छा मिल रहा है या फिर मुझे बुरा प्रभाव मिल रहा है। जिस प्रकार से एक क्रिकेट टीम में 11 जो मेंबर होते हैं, 11 जो प्लेयर होते हैं, इनके प्रदर्शन पर ही ये समाहित होता है कि कौन सा टीम जीतेगा और कौन सा टीम हारेगा। तो यहाँ पर जो ओवरऑल यदि देखा जाए तो एक आध ग्रह का प्रदर्शन यदि अच्छा नहीं भी है, उसके बाद भी बाकी ग्रहों का प्रदर्शन यदि अच्छा है तो वो टीम जीत जाती है, अर्थात आप जीत के मुकाम तक पहुँच पाते हैं। राहु और केतु एक ऐसे ग्रह जो आपको जोड़ते हैं, और केतु जहां मौजूद है वहां से आपको तोड़ते हैं। हमने कहा इनकम भाव पर है, इनकम में न्यूनाधिक योग बनता है, हालांकि ये सूर्य का टाइम रहेगा, इनकम निकाल के देंगे।
राहु इस समय पर मौजूद है ठीक पंचम भाव पर, इनका प्रभाव है 12 नंबर की राशि पर, और 12 नंबर की राशि के हिसाब से आपके पंचम भाव पर इनका पदार्पण हो चुका है अक्टूबर महीने से, और तब से लेकर के ये पूरे मई तक रहेंगे, कहीं जाने वाले नहीं हैं राहुदेव। अब राहु हमारा भय भी है और राहु हमारा भ्रम भी है। कभी कभी मन भ्रमित हो जाएगा कि किसी कार्य का अच्छा संयोग दिख रहा है, हाँ भाई हमें दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन वो कार्य सिद्ध नहीं होना, और या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई कार्य हमारा नहीं होने वाला है और राहु चूंकि अचानक से कोई कार्य को सिद्ध करते हैं, कोई अचानक से वो इवेंट हो सकता है। इस हिसाब से राहु का पंचम भाव पर प्रदर्शित होना आगामी 4 महीने में, यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उस संबंधी काम करते हैं, तो राहु आपके समर्थन पे खड़ा है। राहु के अंदर एक भूख होती है और वो भूख आपके अंदर भी रहेगी ज्ञान प्राप्ति के लिए। देखेंगे अत्यधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए आप अग्रसित रहेंगे, अपना तो अपना, दूसरों के लिए भी आप बहुत हित करना चाहेंगे, दूसरों के जीवन को भी आप उन्नत करना चाहेंगे, यही राहु का प्रभाव है। और पंचम भाव पर जब राहु रहते हैं तो संतान इस समय पर हमसे किसी कारणवश दूर जा सकता है, चाहे वो एजुकेशन या फिर कैरियर को लेकर के हो, या फिर किसी अन्य कारणों से संतान से दूरी का संयोग भी राहु यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, अन्यथा हमारी पीड़ा भी यहाँ जुड़ी हुई है, क्योंकि राहु यहाँ पर मौजूद है संतान संबंधी चिंताओं को भी यहाँ पर प्रदान करते हैं। लेकिन इसी को तो मेकअप करने के लिए हमारे पास देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव, जो लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रह हैं, वो प्रभावी होते हैं। अब इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावी जो एक घर होगा वो है 8 नंबर की राशि, जो कि आपकी अपनी राशि है। कारण क्या होगा कि शनि और गुरु दोनों ही वक्री चल रहे हैं, इस हिसाब से शनि की 10वीं दृष्टि पड़ती है वृश्चिक राशि पर, और दूसरी तरफ देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ती है वृश्चिक राशि पर। तो यदि दोहरे गोचर पद्धति के सिद्धांतों को समझा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावी तो हमारा लग्न हो गया, और इस कारण से शनिदेव चूंकि कर्म के देवता हैं, कर्म आपका सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा, चैन से बैठने नहीं देंगे आपको, भाई कर्म करते रहो कर्म करते रहो। और चूंकि शनिदेव डिले के कारक हैं, विलंब के कारक हैं, तो विलंब हो सकता है, लेकिन शनिदेव चूंकि न्याय के भी कारक हैं, इसलिए कभी अन्याय नहीं करते। देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, देवगुरु बृहस्पति उसी भाव पर अपना प्रभाव दे रहे हैं, अर्थात यदि ज़्यादा चैलेंज बने हुए हैं जीवन में तो गुरु का प्रभाव जब आ जाता है तो वहीं पर हमको सात्विकता आ जाती है, सादगी आ जाती है। तो वो सादगी वो सात्विकता आपको देखने को मिलेगी अपने अंदर, क्योंकि लगन आपका अपना शरीर है, आपका मन मस्तिष्क है। यदि स्वास्थ्य में कोई परेशानी शनिदेव के माध्यम से मिल भी रहा है तो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि उसी भाव पर पड़ रही है, मतलब उसको मेकअप करके आपको एक सही परिणाम देने के लिए देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर बाध्य होते हैं। अब इनको हमेशा जागृत रखिएगा। यदि आपके जन्म पत्रिका में भी गुरु की स्थिति अच्छी है या गुरु की महादशांतरदशा चल रही है तो इस टाइम पर गुरुदेव चतुर्थ भाव सप्तम भाव से देख रहे हैं लगन को। लगन मजबूत होता है, स्वास्थ्य मजबूत होता है, बिजनेस मजबूत होता है, कैरियर मजबूत होता है, तो एक पीला पुखराज भी धारण कर सकते हैं। परंतु जब भी कोई रत्नों का निर्धारण करें, बड़े सोच समझ से करें। कभी भी वृश्चिक राशि आपका हुआ तो मूंगा धारण कर लिया, ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि एक ही राशि का रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए। हमेशा हमें अपने लगन पंचम नवम का रत्न धारण करना चाहिए, और वो भी यदि 6, 8, 12 पे ना हो, और वो भी यदि नीच अवस्था पे ना हो तब। और इस हिसाब से ये आने वाला 4 महीना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जीवन में उन्नति के मार्गों को प्रशस्त करने वाला होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और वृश्चिक राशि ने हमें सराहा है, हमें प्रोत्साहित किया है। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। माना जाता है वीडियो शेयर करने से, अच्छे बातों को शेयर करने से, ज्ञान शेयर करने से हमारे गुरु तत्व की वृद्धि होती है, और गुरु ही हमारा भाग्य है। इस कारण से भाग्य उन्नति में ये सहायक होगा।
यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।